Hi guys, I'm Kranti Sambo. Welcome to Time Drive, and we are the Maruti stall, jahan par finally we have this Vitara Brezza. Itne dinon se iske teasers, iske stories aur jo images, stories aur jo speculation hum sun rahe the, finally ab wo samne aa gaya hai. Now we have this petrol version Brezza. अगर आप याद करें जब ये सिक्स के आने के बाद सवाल ये हो रहा था कि क्या हम इस Brezza के डीजल वर्जन को जाते हुए देखेंगे, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर Brezza केवल डीजल वर्जन में आ रही थी, लेकिन अब न सिर्फ पेट्रोल वर्जन के साथ Brezza आती दिखाई दे रही है, बहुत सारे नए फीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसके इंजन के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं. दैट इज़ अ न्यू 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन, स्मार्ट प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड भी इसमें दिया गया है. और अगर पावर फिगर्स की बात करें, दैट इज़ अराउंड 103 bhp, टॉर्क की बात करें 138 न्यूटन मीटर्स. और इस कार की अगर हम उस फिगर की बात करें जहाँ पर आप सवाल करते हैं कि ये एफिशिएंसी कितना देती है, और मारुति कार है उस हिसाब से उस एस्पेक्ट के ऊपर उसको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा. और वहाँ पर अगर हम देखें तो इस इंजन के साथ जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, दैट इज़ गिविंग अराउंड 7.03 km/l फ्यूल एफिशिएंसी. वहीं ऑटोमेटिक वर्जन जो है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, दैट इज़ 18.76 km/l. और इसके अलावा जहाँ पर हम चेंजेस जो हैं वो सबसे पहले सबसे खास हमने इसके फ्रंट व्हील पर देखे हैं, और इसके अलावा आप टू LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देख सकते हैं. ओवरऑल फेस में आप काफ़ी इसमें चेंज ज़रूर देखेंगे, सांस में, बाकी बॉडी स्टाइल या शेप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम जो चेहरा है उसमें काफ़ी आपको बदलाव इसमें ज़रूर नज़र आएगा. और भी बहुत सारे तब्दीलियाँ इसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में डिटेल से बात करें, बट राइट नाउ इफ़ यू वॉन्ट नो अबाउट द प्राइसिंग, वो हमें नहीं पता है. तो इंजन के बारे में पता है, पेट्रोल आ गई वो पता है, और लॉन्च कब हो रही है, प्राइस क्या है, उसके बारे में अभी हमें जानकारी है. फिलहाल हम और अपडेट्स इसके ढूंढेंगे, और आप देखते रहिए टाइम ड्राइव एंड कीप फॉलोइंग अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकॉन जरूर दबाइए. बाय बाय.